चौपाल का नाम आते ही अक्सर पुरुषों की पंचायत का दृश्य हमारे सामने आ जाता है, मगर ऐसा नहीं है। महिलाएं जब वर्तमान में अपने घर परिवार को लेकर सजग होने लगी हैं, तो वो राजनीति की भी अच्छी खासी समझ रखने लगी हैं। क्योंकि एक महिला को जब अपने पूरे परिवार को संभाले रखने की जिम्मेदारी मिलती है, तो वो पाई पाई का हिसाब रखना चाहती है। ऐसे में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से भी जब वो जूझती है, तो उसमें सामाजिक परिस्थितियों से सामना नहीं होता, बल्कि राजनीतिक तौर पर उनके दिमाग पर प्रभाव देखा जा सकता है। और वो राजनीति को लेकर भी चर्चा ही नहीं करती, बल्कि वोट डालने के निर्णय भी खुद लेती है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बड़े चर्चित हो चले विजय जैन ने एक महिला सम्मेलन बुलाया, तो उसमें सत्य खबर ने जब उन महिलाओं से बातचीत की और पूछा कि वर्तमान में वो राजनीति को लेकर कैसे देखती हैं और कौन उनके लिए बेहतर है, पिछली बार उन्होंने किसे वोट दी और आगामी दिनों में होने वाली चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर सारिका के साथ महिला चौपाल की चर्चा देखिए। आज महिला शक्ति ने अपनी शक्ति दिखाई। वैसे तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है कि आम आदमी से जुड़ने की एक कोशिश कर रही है। अभी तक जितने कार्यक्रम हुए, मैंने महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन ऐसा नहीं देखा जैसा आज पानीपत है। कांग्रेसी नेता है विजय जैन, उन्होंने ये सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें आम से लेकर खास महिला तक आई, लेकिन खास महिलाएं अपनी बातें कहीं भी रख सकती हैं और सामान्य तौर पर आम महिलाएं अपनी वोट की ताकत और अपने मन की बात कभी कह नहीं पाती। इसलिए आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आम महिलाओं से मिलने की कोशिश की। बाहर बहुत भीड़ थी, आज थोड़ा सा मैंने उनको अंदर बुला। मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह का माहौल देखती है और अपनी वोट के बारे में क्या समझती है। आपका क्या नाम है? हमारे गुड्डी मिश्रा। गुड्डी मिश्रा जी, गुड्डी जी कहाँ से हैं आप? हम बिहार समस्तीपुर से। और यहाँ पानीपत कितने लंबे टाइम से हैं आप? 30 साल हो गए। मैं तो कहूँ एक तरह से आप पानीपत के हो गए। तो आज इस महिला सम्मेलन में आप आए हैं, राजनीति में महिलाओं की ज्यादा सा मतलब, खासकर जो सामान्य सी महिलाएं होती हैं उनका राजनीति में इतना ज्यादा नहीं होती पूछ। आज आपने जो ताकत दिखाई, आप क्या सोच के आई हैं कि पार्टी कौन हो, कैसी हो, ये बता सकते हैं? हम तो पार्टी चाहते कांग्रेस हमारे पार्टी हो। हाँ जी, तो जो पहले आपने वोट दी थी पिछली बार, तब किसको दी थी? कांग्रेस के। अच्छा, आप तो पुराने कांग्रेस के, मैं कहूँ एक तरह तो कांग्रेस ही है। क्या खास बात है कांग्रेस में? कांग्रेस में तो बहुत खास बात है, लेकिन हमें बीजेपी में तो कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। कमाल है, और बहुत अच्छी बात कही कि इनकी अपनी दिलचस्पी है, ये नहीं है कि कोई आदमी कहे कि वहाँ वोट डाल के आनी। अब महिलाएं समझने लगी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी थोड़ा सा आगे। नाम क्या है? मैं राज शर्मा। राज शर्मा, हाँ जी राज शर्मा। इन्होंने कहा कि भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। महिलाएं राजनीति को किस तरह देखती है? घर के पुरुषों ने जहाँ कह दी वोट डाल दी या अपनी मर्जी से? नहीं जी, हमारे पुरुष तो है नहीं, हम अकेले हैं, हम विधवा औरत हैं। हम कहते हैं जी ये राशन लेने से बढ़िया तो यही है बच्चों को नौकरी मिल जाए, अच्छे से अपना घर चलाएं, खाएं। यहाँ घर से इतनी फुर्सत नहीं होती जो लाइनों में लग के राशन लेने जाएं। हम तो यही कहते हैं गरीब बच्चों को नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। कौन सी पार्टी लगता है आपको कि ज्यादा नौकरी और आपको ज्यादा सुविधाएं दे पाए? जी ये हम कहते हैं जी कांग्रेस आ जाए, कोई भी आवे, हम तो कहते हैं बस सहूलत होनी चाहिए, पार्टी कोई भी आए, इसमें हमारे कोई दिलचस्पी नहीं। अभी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसमें आप कितना अच्छा फील कर रही हैं? कुछ नहीं जी, हमारे को तो गरीबों को कभी कुछ नहीं मिला। गुड़िया की शादी करिया तब नहीं हमारे को कुछ मिला कुछ, वैसे भी हमारे को कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे को विधवा औरतों में आज तक हमारे को तो पेंशन के अलावा कुछ भी सरकार से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हैं महिला, क्या काम करते हैं आप? जी वाइस ब्लॉग घर रहती। हाँ, कैमरे की तरफ देखे, घर तो रहते हैं। और आज आप इस सम्मेलन में आए, किसके बुलावे पे आए थे आज? जी हम तो अपने उस पे आए हैं भाई, हमारे को कोई सुविधा मिले, विधवा औरतें हैं और कोई भी सुविधा नहीं, लाइन में भी 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते, राशन भी ढंग से नहीं मिलता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम नेता कहते हैं कि जो काम बहुत पहले से नहीं हुआ वो हमने किया है और हम बहुत सुख दे रहे हैं। कोई सुख नहीं है विधवा को, सिवा पेंशन के कुछ नहीं मिलता। तो इस बार क्या मूड बना रखे आपने 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा? हमें जो हमें सुविधा देंगे हम उसको वोट देंगे। अच्छा, अभी सोचेंगे आप? नहीं सोचेंगे क्या, जो हमें सुविधा देंगे उनको वोट देंगे। कौन लगता आपको कौन सुविधा देगा? देखते हैं जो सुविधा देगा उसके पीछे हम। तो जी तो आज किसके बुलावे पे किससे मिलने आए आप?
जैन से मिलने आए, विजय जैन से मिलने आए। आज महिलाओं ने पूरी पंचायत में अपनी शक्ति दिखाई, ताकत दिखाई, क्योंकि पंचायत का मतलब होता है पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये पूरी पंचायत हमारे साथ बैठी है और सत्य खबर पर हम इनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्रांति है जी। क्रांति, क्रांति, क्रांति फिल्म आई थी और क्रांति का मतलब तो क्रांति है। क्या क्रांति करने जा रहे हैं आप? कांग्रेस को वोट देंगे जी, और बताओ। तो आपकी क्रांति से कांग्रेस में की क्रांति आएगी लगता जैसे, है आपको? जैसे मैं हूँ ऐसी क्रांति आएगी, जैसे कभी पहले आई थी। अच्छा हाँ। आप टीवी अखबार देखती हैं? हाँ, सब कुछ। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस का आएगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कह रही है कि सरकार बनेगी हमारी? नहीं, बनने के लिए। क्यों लगता आपको ऐसा नहीं बनेगी? सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो आप बनेगी कैसे? हरियाणा में तो कुछ किया ही नहीं। हम भाई क्रांति, मेरे को लगता है कि हरियाणा की राजनीति को अच्छे से समझती हैं। और भी एक बैठी हैं बहन, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, नाम बहुत सुंदर सुंदर है इस पानीपत में महिलाओं के। पुष्पा जी क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? कुछ मजदूरी है, ये मजदूरी के सिवा क्या है? नहीं देखो, मजदूरी भी ये नहीं है कि आप मजदूरी को कोई काम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन मजदूरी तो काम तो करना पड़ता है ना सबको? काम तो खैर करना पड़ा है। हाँ। कोई काम करवाओ कांग्रेस के उसमें। अभी इतनी महंगाई आ रही है कि बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि अगली आने वाली सरकार में कोई महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम ना होगी, कुछ तो होगा ही। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं है? नहीं है जी, हमें उनसे, हमें इनसे उम्मीद है। ओम प्रकाश जैन से, मेरा लड़का खत्म हुआ था, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। विजय जैन? हाँ, विजय जैन। ये विजय जैन को इनकी शायद बहुत मदद करते हैं। पुलिस पे पुलिस आई पड़ी थी उस टाइम, विजय जैन ने इनकी मदद की है। ये उनके, आप ने पिछली बार किसको वोट दी थी आप बताएंगे? कमल पे। कमल पे। और इस बार क्या माहौल है, इस बार किसको देंगे? कांग्रेस को। क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आपकी? पिछली बार आपने कमल के फूल को खिलाया और इस बार आप कांग्रेस की बात कर रहे, क्यों? तो कुछ नहीं मिला, क्या कहते हैं, कड़ी वाला मकान है तो कुछ भी, राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ, राशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा। टाइम पे वो भी नहीं मिलता, उसके पास जाओ उसके पास जाओ। लेकिन आपने अखबार देखते हो, अखबार में बड़े बड़े पेज फुल हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा, मोदी ने महिलाओं का सम्मान किया, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं वो रोजाना। बोलते हैं, करे तो नहीं है ना, सम्मान तो किया। हरियाणा में तो आए ही नहीं मोदी अब तक। नहीं नहीं, बहुत बार आए हैं, अभी आए थे चुनाव में, आए आपने मतलब को आते वैसे तो आते ही नहीं। तो आपका मन है कि आप मिले मोदी से? आपका मन है? मिलेंगे। क्या कहोगे मिलके? पूछेंगे ना हमारे लिए क्या करा। और आप जो कह रहे हैं कि भी कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस में किसको जानते हो आप, सही बताना? कांग्रेस में तो जी बस ये हुड्डा जी हैं यहाँ तो। अच्छा, हाँ जी। इनसे उम्मीद है? अच्छा, अभी हिसाब मांगो यात्रा चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। आपको क्या समझ में आती कि क्या हिसाब मांग रही है कांग्रेस? ये तो हिसाब तो जी इनका कानून है, ये तो सारे दिन में तो चट्टे बट्टे और लड़ते भिड़ते हैं, दिन रात को सारे कट्टे रोटी खाते हैं, इनका तो क्या है, ये तो हिसाब है इनका ही तो। ये तो भाई क्रांति, क्रांति से बच के रहना, सारी चीजें समझती है क्रांति। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।